सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपी ट्रेडिंग का नॉलेज। तो दोस्तों, आज की हमारी यह टॉपिक जो है सभी यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की हमारी टॉपिक यही है कि कैसे आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस की वॉइस जो है कैसे कोयल की तरह मधुर बना सकते हो। आप लोग यूट्यूब की वीडियोज में देखते होंगे कि वॉइस की जो होती है बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, भूमिका नहीं होती तो आप लोग देखते होंगे कि जब आप किसी भी वीडियोज पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो आप वीडियोस की वॉइस सुनते हो। यदि आपको उस वीडियोस की वॉइस जो है सुनने में अच्छी लगती है और वह जो होती है वॉइस जो आपको पूरा क्लियर जो होती है सुनाई देती है, तभी आप उस वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वॉच करते हो। जब आपको वॉइस ही नहीं क्लियर सुनाई देगी और उसकी वॉइस जो है मधुर भी नहीं होगी तो आप जो उस वीडियोस को कट ही कर देते हो। तो दोस्तों, यही आप लोग गलती कर देते हो। आप लोग तो वीडियोस डेली बनाते हो, लेकिन दोस्तों छोटी छोटी गलतियां अपने यूट्यूब की वीडियोस में कर देते हो जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेकार साबित होती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप मेरी तरह, जैसे कि आप मेरी वीडियोस देखते होंगे कि मेरी वीडियोस जो है मैं कोयल की तरह एकदम मधुर मेरी आवाज आपको सुनाई देती होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बिना किसी एप्लीकेशन के ही बताने वाला हूं कि कैसे आप भी अपने वॉइस को जो है कोयल की तरह मधुर बना सकते हो। दोस्तों, इस वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं यूट्यूब पर देखता हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है यूट्यूब पर बताते हैं कि यदि आप अपनी वॉइस को जो है कोयल की तरह मधुर बनाना चाहते हो तो आपको एक अच्छे माइक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वॉइस को जो है कोयल की तरह मधुर बना सकते हो। और यदि आप उसकी जगह जो है माइक यूज करते हो तो उसके कई गुना जो है आप बिना माइक के ही अपनी वॉइस को जो है कोयल की तरह मधुर बना सकते हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं किसी भी माइक का यूज नहीं करता हूं, लेकिन तब भी मेरी वॉइस जो है आपको पूरा कोयल की तरह मधुर सुनाई देती है। तो दोस्तों, वही जो आपको बताने वाला हूं कि बिना एप्लीकेशन के, बिना एक रुपए खर्च किए आप कैसे अपनी वॉइस को जो है कोयल की तरह मधुर बना सकते हो। तो इस वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉचिंग करते रहिएगा, नहीं तो आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा और आप जो अपनी वॉइस को सही नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियोस को आप लोग देखते रहिए और शेयर करना तो नहीं भूलिएगा आप वीडियोस को। और दोस्तों, यदि आप हमारा नाम नहीं जानते तो जान लीजिए, मेरा नाम है इंद्रेश और आप हमारा यूट्यूब चैनल आईपी टेक्निकल नॉलेज को देख रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको किसी भी प्रकार का नो ब्रेक नो फेक मिलेगा, तो दोस्तों ओनली परफेक्ट। सो दोस्तों, चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको पूरा फुल डिटेल बताता हूँ कि कैसे आप अपनी वॉइस की एडिटिंग जो है कोयल की तरह मधुर कर सकते हो। तो आइए हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, कैसे आप अपनी वॉइस को जो है कोयल की तरह मधुर बना सकते हो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपने मोबाइल फोन में, आप लोग तो यूज करते होंगे वीडियो एडिटिंग के लिए काइन मास्टर एप्लीकेशन, तो काइन मास्टर एप्लीकेशन को आपको यहां पर डाउनलोड कर लेना है। हमें लगता है कि जितने भी यूट्यूबर हैं वह अपने मोबाइल फोन में पहले से ही काइन मास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए होंगे और उसका यूज करते भी होंगे। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो चले जाइए, वहां पर लिंक दी गई है काइन मास्टर की, उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब यहां से आप जैसे ही काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हो, ओपन जैसे ही करोगे, करने के बाद ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी क्रिएट हो जाती है काइन मास्टर से रिलेटेड। कुछ बीच में जो है काइन मास्टर में जो है यहाँ पर जब कोई वीडियो एडिटिंग करता था तो वहाँ पर उसका वाटर मार्क आ जाता था। लेकिन दोस्तों, मैंने एक वीडियोज अपलोड कर दिया है, यहाँ पर आई बटन पर आप जाकर क्लिक कर देख सकते हो कि काइन मास्टर बिना वाटर मार्क के कैसे डाउनलोड करे। उस वीडियोज़ को जाकर वॉच कीजिए और अपने काइन मास्टर को बिना वाटर मार्क के ही वीडियो एडिटिंग करते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये फीचर्स आ जाएगा आपके सामने। तो अब यहां से आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब यहां से देखिए रेशियो दिया गया है। यदि आप शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हो तो 1:1 पे बना सकते हो, और यदि आप फुल स्क्रीन का शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हो तो 9:16 के अनुपात में बना सकते हो। और यदि आप यूट्यूब की वीडियो जो है लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हो, टेक से रिलेटेड या कोई भी वीडियो जो यहां पर यदि लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हो पूरा फुल स्क्रीन की, तो अब आपको 16:9 के रेशियो में करना होगा। तो यहाँ से करने के बाद अब यहाँ से आप रेशियो भी सीख गए। ऐसे करने के बाद अब आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से कोई भी वीडियोज ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी ये वीडियोज जो शूट किया था उसी को ले लेता हूँ। पूरा ए से लेकर जेड तक आपको वॉइस एडिटिंग बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो वॉच करते रहिए आप लोग। तो वहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ से देखिए अपनी वॉइस को जो है सबसे पहले मिक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से वॉइस को पूरा 200 पे कर देना है। जैसे ही आप करोगे, करने
करने के बाद अब यहाँ से नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। आने के बाद अब यहाँ से EQ का ऑप्शन आपको दिया गया है, वॉल्यूम के नीचे जो है EQ का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे साइड में स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर नेचुरल का ऑप्शन दिया गया है, नेचुरल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ये देखिए नेचुरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपकी वीडियो जो है EQ पर देखिए जो भी फीचर्स इनेबल कर दोगे इसमें, यही बहुत ही अच्छा फीचर्स है, यहाँ पर शो कर देगा। तो जैसे मैंने इस फीचर्स में देखिए नेचुरल वाला फीचर्स जो है इनेबल कर दिया, तो आपको भी ये इनेबल कर देना है यदि आप वॉइस को जो है मधुर बनाना चाहते हो। इसे इनेबल करने के बाद अब यहाँ से इसे फिर कट कर देना है। ये आपका एक फीचर जो है इनेबल हो चुका है। अब दूसरी बता दूं कि कैसे और भी ज़्यादा यहाँ पर आप अपनी वॉइस को जो है मधुर बना सकते हो। तो यहाँ से आपको देखिए वॉइस चेंजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है अनेकों देखिए आवाज़ में आपको दिया गया, जैसे कि आपकी वॉइस जो है चेंज हो जाएगी। एक बार मैं आपको वॉइस सुना देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, दोस्तों आप लोग यहाँ पर सुन लिए होंगे कि कैसे मैंने वॉइस यहाँ पर बोला। यहाँ पर जब भी मैं किसी भी फीचर्स पे करता था तो यहाँ पर देखिए अलग अलग आवाज़ हो जाती थी, आपकी वॉइस जो है चेंज हो जाती थी। लेकिन दोस्तों इसमें जो है ये कैसी वॉइस है, ये कैसा फीचर्स दिया गया है जो आपकी वॉइस को जो है बिल्कुल मधुर बना देगा, थोड़ा चेंज करने वाला है लेकिन आप ही की आवाज़ लगेगी। तो यहाँ पर देखिए चैपी म्यूनिके के नीचे जो है चोरस का ऑप्शन दिया गया था, इसे चोरस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अब देखिए मैं वॉइस आपको सुना देता हूं कैसी मधुर हो जाती है आपकी वॉइस। लेकिन दोस्तों मैं YouTube पर देखता हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो YouTube पर बताते हैं कि यदि आप अपनी वॉइस को जो है कोयल की तरह मधुर बनाना चाहते हो तो आपको एक अच्छे दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि मेरी आवाज़ जो है कितना ज्यादा मधुर हो गई। पहले वाली आवाज आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं YouTube पर देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर जो YouTube पर बताते दोस्तों आप लोगों ने पहले मेरी पहले की आवाज़ देख ली, और यहाँ पर जो है जब मैंने वॉइस चेंजर वाला ऑप्शन यहाँ पर लगाकर जब स्पीक कर दिया तो उसके बाद आपने मेरी वॉइस देखा तो बहुत ही ज़्यादा मधुर हो चुकी है। और भी यहाँ पर अनेकों फीचर्स आपको जो भी यहाँ पर फीचर्स पर आपकी वॉइस जो आपको मधुर लग रही है वही फीचर्स यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और ये वाला तो फीचर्स EQ में आप नेचुरल वाला ही करिएगा, और इसके अलावा इस चेंजर वाले ऑप्शन में आप अपने मनपसंद की वॉइस जो है क्लियर कर सकते हो, मधुर जैसा बनाना आपको। दोस्तों ऐसे ही आप अपनी वॉइस को जो है बहुत ही ज़्यादा मधुर बना सकते हो। और यदि आप अपने वॉइस की जो है स्पीड वगैरह करना चाहते हो और म्यूट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको अनेकों ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों ऐसे आप अपनी वॉइस को जो है बिल्कुल मधुर बना सकते हो कोयल की तरह। दोस्तों हमारी ये वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियोस देखने के लिए नीचे लाल वाले बटन के बगल में बेल आइकन को भी यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं अपने YouTube चैनल पर कोई भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों मेरी हर एक वीडियो जो है सभी यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब के लिए टट्टा बाय बाय, वंदे मातरम, भारत माता की।